नमस्कार, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर सभी श्रोतागण, सभी बच्चे, उनके पालक वर्ग को फिजिक्स वाला विमल का तहे दिल से नमस्कार। पिछले दो सेशंस में पेपर पैटर्न पूरी तरह से बता दिया गया कि चार सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए 18 मार्क का है, सेक्शन बी 16 मार्क का है, सेक्शन सी 24 मार्क का है और सेक्शन सी 12 मार्क का है। चारों सेक्शन मिलाकर विदाउट ऑप्शन 70 मार्क का पेपर होता है और विद ऑप्शन अगर देखा जाए तो 98 मार्क का पेपर होता है। अगर आप उस चीज़ को तोलो तो लगभग 100 मार्क का पेपर है अप्रॉक्सीमेट, और 70 मार्क्स आप उसे अटेम्प्ट करके सॉल्व करते हैं फुल मार्क प्राप्त करने के लिए। मतलब टोटल सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे उसके 70% पर आप फुल मार्क्स ले रहे हैं। टोटल सिलेबस पर जितने क्वेश्चन आएंगे उसके 70% पर आप फुल मार्क ले रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि हमने कल देखा था या पिछले सेशन में देखा था कि जो सेक्शन ए बी सी डी है वो पूरी तरह से बता देता है कि 70 मार्क्स का पेपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन अभी जो चर्चा है वो स्पष्ट रूप से ये है कि भाई कहीं ना कहीं हमें ये पता करना है कि पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या रखना है। तो जैसा सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एमसीक्यूज वाली बातचीत पर। जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो कल ही मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब दिया जाता है कि जैसे एग्जांपल कहा था ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप कहोगे सर ये तो रिपीट लग रहा है। रिपीट नहीं है, मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कल मैंने ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए ध्यान से सुनिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी ओम्स लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन डी थर्मोडायनामिक्स वगैरह वगैरह। तो उसमें चार ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ और वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ऐसे समय में चक्रम में आ जाऊंगे, अब भी तो आपने बताया सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, सेल्फ इंडक्शन भी है, म्यूचुअल इंडक्शन भी है, सब फिर देखा जाए तो सभी बातें सही दिख रही है। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों। तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूं कि पेपर पैटर्न तो पता चल गया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के लिए ऊपर में जो है ना उसका उपयोग अपने को बहुत अच्छे से करना है। जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में एक मार्क का एमसीक्यू है, चार में से कोई भी एक टिक कर दिए। टिक करने से नहीं चलता, लिखना पड़ता है, कल ही बताया था। तो चार में से एक कोई उठा के रख दिया, ऐसे बोल दिया चल जाएगा, ऐसा चलने वाला नहीं है, घर की खेती थोड़ी ना है सर। क्या, अरे घर में कितनी भी खेती हो पेपर में घर की खेती नहीं चलती, पेपर में दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सर ये क्या हुआ, चार ऑप्शन थे, चौथा था नन ऑफ दिस, छोड़ दो। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर उसमें वर्क करता है, सेल्फ इंडक्शन प्राइमरी कॉइल में वहां दिखता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट ईएमएफ ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली द टर्म नेम्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना इसमें कोई दो मत नहीं है, सेल्फ इंडक्शन होता है इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर ट्रांसफर का काम कर रहा है, लिंकिंग करवा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी में इन्हें भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब कुछ संभव है म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना की वजह से। तो आपको समझ में आ रहा हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और हमें आंसर कैसे लिखने हैं। इसी में तीसरा स्टाइल और एक हो सकता है, मैं बहुत सारे डिटेल नहीं दूंगा लेकिन एग्जांपल इसलिए दूंगा ताकि आपके दिमाग में एमसीक्यूज को लेकर जो बात थी वो अब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ये बात नहीं रखी थी। तीसरा इस टाइप से हो सकता है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब आप समझ गए होंगे, कमेंट कर सकते हो आप समझ गए कि इसका आंसर क्या है। आप नहीं बताओगे, आप समझ गए, क्योंकि दूसरे वाले में जो मैंने कहा उसमें वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, नन ऑफ दिस था। अब नन ऑफ दिस था तो तीनों में से कोई तो भी था, इसलिए नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन अभी वाले में समझ गए ना, तो कमेंट में मुझे बताना
कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर देने का स्टाइल कैसे देना, तरीका सिखाया, कमेंट में आप जब दोगे तब मुझे समझ में आएगा मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ कि नहीं। क्योंकि ए बी सी डी लिखने से काम नहीं चलता, ये बोलने से काम नहीं चलता, दोनों बातें होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन वन में सेक्शन ए के क्वेश्चन वन में एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज में क्वेश्चन के आंसर किस टाइप से पूछे जाएंगे, किस टाइप से पूछे जाएंगे प्रश्न, उनके आंसर किस टाइप से लिखोगे, ये बात आपके जहन में क्लियर हो गई। 10 सब क्वेश्चन है, 10 सब क्वेश्चन में कितने न्यूमेरिकल से बताया था कल कि 2 या 3 रह सकते हैं न्यूमेरिकल। सर ये बात आप रिपीट कर रहे, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। 2 या 3 क्या हो सकते हैं न्यूमेरिकल? तो न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल। टर्न्स रेशियो दे दिया, वोल्टेज फाइंड आउट करो, वेलोसिटी दे दी, फ्रिक्शन फाइंड आउट, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आंसर निकल जाए, इतने सिंपल एमसीक्यूज में। 2 या 3 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और वो 2 या 3 मार्क के होते हैं। उसी सेक्शन ए में बात करता हूँ वेरी शॉर्ट आंसर्स की क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सब क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4, वो रोमन नंबर्स में होते हैं, मेन नंबर 1 ये 1 से 10 में सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सर आपने आज फिर पेपर लिखने का तरीका नहीं बताया। पेपर लिखने का तरीका भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले सिलेबस पता होना था, पेपर पैटर्न पता होना था, मार्किंग स्कीम पता होनी थी। अब पता चल रहा है कि पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए, समझेंगे तभी तो लिखने जाएंगे ना, इसलिए समझने वाली बात पहले। वेरी शॉर्ट आंसर में 8 सब क्वेश्चन है, वो भी उसी स्टाइल में रहेंगे, रोमन नंबर्स में 1, 2, 3, 4 सोन अप टू 8। अब ये 8 सब क्वेश्चंस एक एक मार्क के पूरे रहेंगे और सब एक एक मार्क के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें 2 या 3 फिर से क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स आएंगे क्योंकि एक एक मार्क के पीछे एक एक क्वेश्चन है। सर इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, मान लो डेफिनेशन दे दिया, डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिफाइन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, डिफाइन इंपीडेंस, डिफाइन ट्रांसफार्मर, डिफाइन सेमीकंडक्टर, डिफाइन अमुक अमुक, या फिर एक छोटा सा कुछ दे दिया, इस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ये बनाओ वो बनाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन एक एक मार्क के दे सकते। यहाँ डायग्राम बहुत रेयर केस है, डेफिनेशंस बहुत ज्यादा चांसेस है, गिव साइंटिफिक रीजन बहुत ज्यादा चांसेस है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना होता है तो चार्जेस किस तरीके से किसी कंडक्टर से किसी दूसरे कंडक्टर पे फ्लो होते हैं, डिस्चार्जिंग किस तरीके से होती है, स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, गाड़ी खड़ी है बारिश में तो अपन गाड़ी के अंदर क्यों बैठना चाहिए, रेनकोट है तो रेनकोट बारिश में क्यों पहन के घूमना है, बहुत सारे छोटे छोटे साइंटिफिक रीजंस वाले क्वेश्चन एक एक मार्क के लिए वेरी शॉर्ट आंसर में आते हैं। और ये मान के चलो कि ये किस्मत आपकी बहुत अच्छी होती है, इसे बोलते हैं रॉकेट पॉकेट में बोलते ना, तो वैसी है 10+8 में लगभग यहाँ के 2-3 न्यूमेरिकल के मार्क छोड़ दो, यहाँ के 2-3 न्यूमेरिकल के मार्क छोड़ दो, तो मोटा मोटी 10, 8, 18 में से लगभग किसी भी बच्चे को 15 मार्क कहीं नहीं जाते हैं। ये ऐसी चीज है एमसीक्यूज की जो बच्चा बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता, जो राज तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सेंटर में कैसे कैसे हैं, समझ गए, करने नहीं है सो पढ़ के जाइए भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक सेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो इसमें 12 सब क्वेश्चन होते हैं। इन 12 सब क्वेश्चन में 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 3, 4, 5 से लेकर 14 नंबर तक ऐसे 12 सब क्वेश्चन हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसमें से 8 अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है। लेकिन इसमें क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन के चांसेस बहुत कम है, यहाँ शॉर्ट नोट्स रहती है ज्यादातर, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, डिस्टिंग्यूज बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टिंग्यूज बिटवीन फ्री रेजोनेंस फोर्स रेजोनेंस, फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस, डिस्टिंग्यूज बिटवीन एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर वगैरह वगैरह टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, बैलेंसिंग सर्किट बताओ किस तरीके से बैलेंसिंग सर्किट होता है, छोटे छोटे सर्किट को लेकर डायग्राम्स हो सकती है,
छोटे छोटे न्यूमरिकल्स हो सकते हैं दो दो मार्क के, तो यहाँ न्यूमरिकल्स भी आठ अगर अटेम्प्ट करने हैं तो मोस्ट प्रोबेबल, एक क्लियर कट बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि आठ क्वेश्चंस बनाने हैं तो चार थ्योरी के बनाओ, चार न्यूमरिकल बनाओ, क्योंकि कम से कम चार तो न्यूमरिकल्स वहां आते हैं। जितने ज्यादा न्यूमरिकल सॉल्व करोगे टाइम उतना कंज्यूम होने से बचेगा, खर्चा उतना कम हो जाएगा अगर आप न्यूमरिकल्स पे जाते हो तो न्यूमरिकल्स कम से कम यहाँ पर आप तीन चार अटेम्प्ट करते हो तो आठ मार्क आपके न्यूमरिकल्स पे बनते हैं। ज्यादातर यही होता है कि न्यूमरिकल्स पांच रहते हैं, सात थ्योरी के होते हैं, तो सात थ्योरी के अगर हो गए और एक ही न्यूमरिकल्स अगर बनाने की नौबत आती है तो भैया सात और एक आठ, खेल खत्म। तो दो मार्क का न्यूमरिकल कंपलसरी में जाएगा। मैंने कहा सात थ्योरी पांच न्यूमरिकल, चार थ्योरी चार न्यूमरिकल, तुम चार न्यूमरिकल बना रहे हो तो मैक्सिमम तुम आठ न्यूमरिकल्स बना सकते हो। पांच न्यूमरिकल सात थ्योरी है और पांच न्यूमरिकल तुम बना रहे तो मैक्सिमम तुम दस मार्क के न्यूमरिकल्स बना सकते हो। मैक्सिमम आठ भी, मैक्सिमम दस भी, लेकिन मिनिमम कम से कम दो मार्क का न्यूमरिकल तुम्हें सॉल्व करना ही होगा। ये मैं मिनिमम कह रहा हूं। जैसे यहां तीन मार्क के न्यूमरिकल, दो से तीन मार्क के न्यूमरिकल, यहां दो मार्क के न्यूमरिकल कम से कम। कल 33 मार्क दिख रहे थे, कल 33 मार्क दिख रहे थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 33 मार्क, 70 आउट ऑफ। आज वही चीज कितने पे आ गई, तीन तीन छह और दो आठ। सेक्शन सी की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 से 26 तक सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, उन 12 क्वेश्चन में आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर से वही किस्सा, चार थ्योरी चार न्यूमेरिकल, चार न्यूमेरिकल करने जाते हो तो 12 मार्क्स बनते हैं। कंपलसरी नहीं कह रहा हूं, कंपलसरी नहीं कह रहा हूं, चार थ्योरी चार न्यूमेरिकल्स अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, जिसका न्यूमेरिकल परफेक्शन है उसका पेपर में आखिरी में टाइम बचता है और समय से कीमती दुनिया में कुछ नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स पे फोकस बिल्कुल कर सकते हो। फिर बात अगर आगे बढ़कर आती है, कहीं ना कहीं बात अगर बढ़कर आगे आती उस पर आ रहा हूं कि अगर न्यूमरिकल्स तुमने मान लो थ्योरी क्वेश्चन है सात और एक ही न्यूमरिकल अटेम्प्ट करो तो सिर्फ न्यूमरिकल कितने मार्क का जाएगा, तीन मार्क का। अगर एक ही न्यूमरिकल अटेम्प्ट करते हो, सात थ्योरी करने जाते हो तो समय लगेगा, लेकिन न्यूमरिकल की तादाद तीन तीन छह दो आठ और तीन ग्यारह। लास्ट सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी थ्री, कितने दिए, कितने दिए, पांच, पांच में से अटेम्प्ट कितने करने, चार तीन, तीन अटेम्प्ट करने। तो अब तीन अटेम्प्ट करने भैया तो एक भी न्यूमरिकल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन के तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पांच में तीन न्यूमरिकल दो थ्योरी आती है, कभी दो न्यूमरिकल तीन थ्योरी आती है, तो तुम्हारी किस्मत उसमें अगर निकल गई कि तीन थ्योरी है तो बच गए, कोई टेंशन नहीं, फिर न्यूमरिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक भी न्यूमरिकल अगर सॉल्व किया तो चार मार्क करना ही पड़ेगा। सर क्या कहना चाहते हो, सामने जवाब है, दो से तीन मार्क, दो से तीन, तो मिनिमम पकड़ो दो दो चार, दो छह तीन नौ और चार तेरह, सिर्फ तेरह मार्क के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने की नौबत आ रही है कंपलसरी में, अगर उस हिसाब से पैटर्न रहा। और तेरह नहीं तो फिर भी एक दो मार्क अगर यहाँ एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, यहाँ एक हाथ और क्वेश्चन बढ़ गया बाय चांस न्यूमेरिकल में, या यहाँ कहीं एक हाथ बढ़ गया, तो मैक्सिमम 20 मार्क तक आप न्यूमेरिकल्स के लिए जा सकते हो, 33 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बात करेंगे इससे रिलेटेड और आगे बढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते समय क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, इस पर भी चर्चा करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की जय। मिलते हैं।